So students, let's continue with the plant kingdom, and now we are moving forward to the ending of plant kingdom with two most developed categories of phanerogames, gymnosperm and angiosperm. ठीक है, तो seed formation अगर होने लग गया है, proper seed जिनको बोलते हैं seed जो 2n होंगे, यानी फीमेल और मेल गैमेट से बनके फर्टिलाइजेशन से जो सीड प्रिपेयर होंगे वो फेनेरोगेम्स में होंगे, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होंगे. हमने देखा था सीड लाइक स्ट्रक्चर टेरिडोफाइटा में फॉर्म होती है जिनको स्पोर्स कहते हैं, लेकिन वो स्पोर्स फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट नहीं है, इसलिए वो सीड्स नहीं है, है ना. वी कैन से स्पोर्स, और वो जो है वो एक जर्मिनेशन और रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं, कि जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डेवलपमेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट और एनिमल का, तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो टेरिडोफाइटा में हमने ये देखा था वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट, ये तब इतना हो गया. अब जो दोनों प्लांट है वो फ्लावरिंग प्लांट है ना. टेरिडोफाइटा तक कोई फ्लावर फॉर्मेशन नहीं था, सिर्फ स्पोर सीड लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप स्पोर्स कहते हो वो फॉर्म हुई थी. नाउ जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं. जिम्नोस्पर्म की जो प्रॉपर्टी है वो एंजियोस्पर्म से थोड़ी कम डेवलप और टेरिडोफाइटा से थोड़ी ज्यादा डेवलप, यानी प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, ट्रीज है, लीव्स एंड स्टेम है, रूट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, रूट्स भी टैप रूट हो सकती है इसकी, अभी हम बात करेंगे जब मोनोकोट और डाइकोट करेंगे तब. स्मॉल श्रब से लेकर लॉन्ग ट्रीज तक जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं. ठीक है, तो वेल डेवलप्ड और वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, मींस प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इंटू रूट, लीव्स एंड स्टेम. फिर वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है. फेनेरोगेम्स में भी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप डिटेल देखते हैं तो किस टाइप के जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, जिनमें वेसल्स नहीं होती या सीव ट्यूब नहीं होते, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इजी होने के लिए हम थोड़ा सा लेस डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल वहां पर प्रेजेंट है ऐसा कह सकते हैं. लेकिन जिम्नोस्पर्म में जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. फिर उसके बाद बात करते हैं हम सीड की. तो यहाँ पर जर्मिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है और सीड बनता है. सीड बनता है मेल और फीमेल गैमिट से, लेकिन जो सीड है वो नेकेड है, यानी फ्रूट फॉर्मेशन इस क्लास में नहीं होता है. यहाँ पर फ्रूट नहीं बनता है, सीड जो होते हैं वो अनकवर्ड यानी नेकेड होते हैं, है ना. तो पॉलिनेशन जो होता है वो विंड के थ्रू हो जाता है, और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो विंड के थ्रू दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर पर पहुंचते हैं और सीड फॉर्म होता है. लेकिन सीड में ओवरी नहीं है, मतलब सीड का जो कवर्ड पोर्शन होता है जिसको फ्रूट कहते हैं वो इसमें फॉर्म नहीं होता, तो फ्रूटलेस सीड यहाँ पर होते हैं. तो नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स आप इनको कैटेगरी में रख सकते हो. दूसरा है लोअर फ्लावरिंग प्लांट, है ना, क्योंकि फ्रूट नहीं बन रहा है इसलिए पूरे डेवलप्ड जितने फ्लावर के पार्ट है वो इसमें नहीं है, है ना. तो लोअर फ्लावरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म को कह सकते हैं. ठीक है, तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो देखो, हैविंग प्रॉपर्टीज बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म, पजेस रूट स्टेम एंड लीव्स, दैट मीन्स वेरी डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी. फिर दीज आर नोन एज लोअर फ्लावरिंग प्लांट एंड हैविंग प्रिमिटिव सीड्स, मतलब सीड्स आर नॉट कवर्ड विद फ्रूट, या फ्रूटलेस सीड भी कह सकते हैं, नेकेड सीड भी कह सकते हैं. नेकेड सीड एंड फ्रूट आर नॉट फॉर्म्ड. ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट, वेस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जिम्नोस्पर्म. इसके एग्जाम्पल है पाइन, साइकस, ठीक है, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल है पाइनस. फिर दियोदर का प्लांट ट्री आपने देखा होगा, है ना, वो लॉन्ग ट्री होता है, ऊपर जाके लीव्स लगी होती है कोकोनट की तरह, है ना. तो पाइन है, साइकस है और दियोदर है, इसके तीन जिम्नोस्पर्म के प्लांट होते हैं. इनका स्टेम जो होता है उसमें बहुत
शार्प जो होती है शेल टाइप स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, आपने देखा होगा, जिसको कॉमनली खजूर भी कहते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाइन, सॉरी जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म। अब हम आते हैं सबसे डेवलप्ड प्लांट कैटेगरी, और इसी से सारे कंपैरिजन होते हैं, मतलब जो मोस्टली हम प्लांट जिनकी बात करते हैं जिनमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं और डेवलप्ड मोस्ट डेवलप्ड कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम है, दैट इज एंजियोस्पर्म। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने वहां पढ़ी है वो सारी जो एब्सेंट थी अभी तक की क्लास में वो सारी एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। हम आराम से इनको स्टडी कर सकते हैं। प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। ठीक है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, है ना, फ्लावर इज कंप्लीट। कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है जिसमें आपने सिक्स्थ में पढ़े होंगे ये नेम्स आ रहे, सेपल, पेटल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फोर टाइप के होल्स। होल्स मतलब होते हैं जो फ्लावर के पार्ट्स है, पूरे फोर उसमें प्रेजेंट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट, वेल डेवलप्ड फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, तो फिर इनमें सीड विद फ्रूट, है ना, फ्रूट फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड सीड आर कवर्ड, है ना। वो अलग बात है कि फ्रूट कितने टाइप के होते हैं वो एक अलग सेक्शन है, लेकिन एंजियोस्पर्म में सीड जो होते हैं वो कवर्ड विद फ्रूट होते हैं। यानी जब सीड फॉर्मेशन होता है तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी है ना, जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है पोलन ग्रेन के साथ, वो फ्रूट में बदल जाता है। तो इस तरह से इसमें फ्रूट भी फॉर्म होते हैं और सीड भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी जो आप अपने आप लिख सकते हो कि वेल डिवाइडेड, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा वेल डिवाइडेड इंटू, प्लांट बॉडी इज वेल डिवाइडेड इंटू रूट, लीव्स एंड स्टेम, एंड फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स आर प्रेजेंट। ये भी आपको अलग सेक्शन में लिखना पड़ेगा। वेल डिफरेंशिएटेड तो है ही, लेकिन फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो एडवांस कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम है, एडवांस सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं, यानी डेवलप्ड सीड जिनको बोलते हैं, एक सीड में जो जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो सारी एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। फिर वेल डेवलप्ड कंडक्टिव टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट, और जाइलम फ्लोएम के जो पार्ट्स हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जाइलम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वेसल्स होती है, ट्रैकीज होती है, वो सारे पार्ट्स विद कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर कंप्लीट फ्लावर, मैंने अभी आपको बताया कंप्लीट फ्लावर की अगर जब इसे बात करते हैं तो आपने ये एग्जाम्पल में आपको बता दूं, जैसे सबसे पहले जो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं सेपल्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि कंप्लीट फ्लावर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये इसके कलर्ड जो होते हैं, कलर्ड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पेटल्स। तो दो, और ये जो मैं होल वर्ल्ड बात कर रही हूँ ये बोलते हैं इस सर्किल को जिसमें एक कंप्लीट फ्लावर बनता है। फिर ये स्टेमेन होते हैं, है ना, एंथर जिनको बोलते हो आप लोग, और यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। इस टाइप का आपने स्ट्रक्चर सिक्स सेवेंथ में किया होगा। तो एक तो पेटल, सेपल हो गए, पेटल हो गए, फिर एंथर और एंथर लोब या स्टेमन या और उसके बाद कार्पल। ठीक है, तो ये जो फोर अगर जिनको बोलते हो आप होल्ड जो होते हैं वो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको कंप्लीट फ्लावर फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में कंप्लीट फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये अगर आपकी बुक में वर्ड दिया हुआ होगा तो ग्रुप ऑफ सेपल, मतलब सेपल्स का जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, कैलिक्स। अगर वर्ड दिया हो तो आप देख लेना, ग्रुप ऑफ सेपल्स। आप रोज का एग्जांपल, रोज में जो नीचे ग्रीन कलर का पोर्शन होता है जिसके ऊपर रेड कलर की लीव्स होती है या कोई भी कलर की लीव्स प्रेजेंट होती है जो हम देखते हैं कलर्ड पोर्शन, वो पहले ग्रीन कलर के सर्किल, मतलब सर्किल जैसे स्ट्रक्चर में जो सर्क्यूलर अरेंज होते हैं उनपे लगे हुए होते हैं उसको ग्रुप ऑफ सेपल्स यानी कैलिक्स बोलते हैं। फिर ग्रुप ऑफ पेटल्स, पेटल्स मतलब वो कलर लीव जो हमको दिखाई देती है, अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, उसको कोरोला कहते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट ऑफ फ्लावर उसको बोलते हैं स्टैमेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं कार्पल। ठीक है, तो ये चारों जो होते हैं वो एक कंप्लीट फ्लावर फ्लावर बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में अगर आप इसका क्लासिफिकेशन देखने जाओ तो जब हम एंजियोस्पर्म लिखेंगे तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, ये प्लांट किंगडम का पार्ट है। ओके, प्लांट किंगडम, इसका किंगडम क्या हो गया, प्लांट। ओके, प्लांट किंगडम। कैटेगरी कौन सी होगी इसमें, फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स मतलब जिनमें सीड विद फ्रूट फॉर्म होते हैं, दो ही क्लास आती है इसमें, जिम्नोस्पर्म और फेनेरोगेम्स। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में फेनेरोगेम्स कैटेगरी में ये आते हैं। फ्लावरिंग, हायर फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब इसके नेम है जो इसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इसको बोलते हैं। हायर फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूट विद सीड, ठीक है, फ्रूट विद सीड या फ्रूट बियरिंग प्लांट, बियरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये सब आती है एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टी में। अब ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स, है ना, सीड्स के बेसिस पे हम एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये मैंने पहले भी बात की थी, एक है मोनोकोट्स और दूसरा है डाइकोट्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म की जो कैटेगरी है उसमें हम सीड ऑन द बेसिस ऑफ सीड, ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स, ठीक है, डाइकोट एंड मोनोकोट। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे वीट की बात करें तो वो एक सिंगल सीड है, है ना। वीट, अगर के आप वीट का शेप देखोगे तो ऐसा होता है, राइस ऐसा होता है। मेज अगर बात करोगे तो मेज का शेप कैसा होगा, ये मेज है, है ना, वो एक सिंगल सीड होते हैं। मतलब आप उसको पार्ट टू पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ग्राम है ना, या कोई भी हम सीरियल या पल्सेस की बात करते हैं तो वो जो होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये टू पार्ट्स होते हैं और यहाँ पर जब वो ग्रो होता है तो उसका एक पोर्शन जो प्लांट के फॉर्म में डेवलप होता है, जिसको आप स्प्राउट भी कहते हैं, वो डेवलप होता है, है? तो सीरियल्स और पल्सेस में टू पार्ट्स में सीड डिवाइड हो सकता है, इसलिए उनको डाइकॉट्स कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं, वीट, मेज, राइस, ठीक है, और यहाँ पर डाइकॉट के एग्जाम्पल आएंगे ग्राम, ग्राउंडनट, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस। ये आप एग्जाम्पल देख रहे हो तो डाइकॉट्स के एग्जाम्पल है, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो मोनोकोट के एग्जाम्पल। तो हमने एंजियोस्पर्म को ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, बाकी सारी प्रॉपर्टी वही है। लेकिन सीड्स में, एक तो सीड्स में डिफरेंट होगा, सीड मोनोकोट के विद सिंगल कॉटिलिडीन, इसको बोलेंगे सिंगल कॉटिलिडीन। ठीक है, सिंगल कॉटिलिडीन मतलब जैसे राइस है तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, मेज है तो टू पार्ट, तो वो सिंगल कॉटिलिडीन कहलाएगा, और ये डबल कॉटिलिडीन। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है, जो मोनोकोट्स होते हैं उनकी रूट्स अगर आप निकाल के देखोगे तो फाइब्रस रूट्स मिलती है। फाइब्रस रूट्स मतलब जैसे ये कोई भी मेन ब्रांच नहीं होती, रूट्स सारी जो होती है वो इस तरह की सिंगल सिंगल मल्टीपल फाइबर्स में होती है। तो यहां पर होती है फाइब्रस रूट मोनोकोट्स में, और डाइकोट में होती है टैप रूट सिस्टम। ये स्मॉलर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, टैप रूट मतलब होता है जैसे ये सॉइल है तो एक मेन रूट निकलेगा और उसकी ब्रांचेस निकलती है, ठीक है, तो इसको टैप रूट सिस्टम कहते हैं। तो रूट में फाइब्रस रूट हो गई और टैप रूट हो गई। फ्रूट में हमने डिफरेंस, फ्रूट के सीड में हमने डिफरेंस देख लिया, ठीक है। तो ये हो गए मोनोकोट और डाइकोट के एग्जाम्पल, सिर्फ रूट और सीड में इनके डिफरेंस होता है। फिर एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमिट, सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट।
ठीक है, ये डाइकॉट मोनोकॉट भी एंजियोस्पर्म के एग्जांपल हो गए। तो इतना सेक्शन जो हो गया वो हो गया प्लांट किंगडम का, जिसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी है फ्रॉम लेस डेवलप्ड टू मोर डेवलप्ड और कंप्लीटली डेवलप्ड प्लांट कैटेगरी से। ठीक है, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी में सारी प्रॉपर्टीज आपको जैसे मैंने पॉइंट्स बताए वैसे पॉइंट्स लिख देने। फिर कंपैरिजन करना है, अगर थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा का कंपैरिजन करना है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा का और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। ऑब्वियसली जो नियरेस्ट क्लासेस होती है उससे में कंपैरिजन आपको करना है कि कौन से प्रॉपर्टी की वजह से एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा डेवलप्ड है या जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा से ज्यादा डेवलप है। ठीक है, तो कंपैरिजन में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली करने हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होंगे। अगर आप क्वेश्चन अगर लेना चाहते हो तो क्वेश्चन में मेनली आपको डिफरेंस करना है ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में, फिर ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एटलीस्ट 2-3 डिफरेंसेस सभी में है, कॉमन प्रॉपर्टी के अलावा आपको 2-3 डिफरेंसेस सभी में करने हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लांट किंगडम यहाँ पर खत्म हो गया। हर कैटेगरी के एग्जांपल्स 3 और 4 एग्जांपल्स करने है ना। तो आपकी क्लास जो बुक में दिया हुआ है, जैसा बुक में दिया हुआ उससे अच्छे नोट्स पॉइंट वाइज और विद एग्जांपल आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम फाइलम डिवाइड करते हैं, यानी फाइलम हम देखते हैं कि कौन कौन से, जैसे हमने प्लांट को बेसिस देखे, प्लांट के कौन कौन से बेसिस होते हैं कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है नहीं होती है, सीड प्रेजेंट है या नहीं। तो एनिमल में ऐसे कौन कौन से बेसिस हैं या कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैं जनरल आपको बताती हूँ, तो बॉडी की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जैसे मैं लिखवाऊंगी भी आपको नेक्स्ट सेशन में, लेकिन अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखना है। जैसे अमीबा है, एक सेल का बना हुआ है लेकिन है एनिमल किंगडम का पार्ट, तो उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो एनिमल किंगडम में सेलुलर लेवल का है। अब अमीबा इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसे एनिमल्स जिनमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, यूनिसेलुलर है लेकिन टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ है ना, तो हम एनिमल किंगडम को भी उनकी बॉडी के टाइप पर, यानी उसको बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बेसिस पर डिवाइड करेंगे। जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन, सॉरी टिश्यू के बाद क्या आएगा, ऑर्गन सिस्टम, एंड फिर बॉडी, कंप्लीट बॉडी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम जैसे सेल को डिवाइड, सेल फिर टिश्यू फिर ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, इसी लेवल पे हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। पहले ये देखते हैं कि सेल ही बनी है, टिश्यू नहीं बना, तो वो कैटेगरी आएगी, यानी प्रिमिटिव पहले। फिर उसके बाद और क्लासिफिकेशन में बेसिस में क्या होता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, है ना, बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, उसको बोलते हैं सिमेट्री। तो अगर बॉडी स्ट्रक्चर में सिमेट्री की बात करो तो 3 टाइप की सिमेट्री होती है। एक तो होता है एसिमेट्री, जिसमें आप एसिमेट्री मतलब कैसी भी बॉडी, जैसे अमीबा की बॉडी है एसिमेट्री है, कुछ भी उसका शेप फिक्स नहीं है, है ना। फिर आता है बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे हमारी, हम हमारी बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 इक्वल पार्ट्स निकलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और एक होती है रेडियल सिमेट्री, जिसको आप किसी भी, जैसे स्टार फिश की बात करो, ये स्टार है, ठीक है, स्टार फिश की बात करो तो इसकी रेडियल सिमेट्री है कि आप इसको कहीं से भी कट करोगे तो आपको इक्वल पोर्शंस मिलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री हो गया। फिर बॉडी कैविटी, हर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके अंदर एक कैविटी, यानी एक टनल जैसी कैविटी, यानी टनल, टनल को बायोलॉजी में ऐसे कैविटी या बॉडी कैविटी तो करेक्ट वर्ड है, लेकिन बायोलॉजी में उसका नेम होता है सीलोम। ठीक है, तो हम ऐसा देखेंगे कि कौन से जो ऑर्गेनिज्म है
उनमें ऐसी सीलोम है। जैसे जैसे एनिमल्स डेवलप होंगे उनमें सीलोम डेवलप होगी। अगर एनिमल डेवलप नहीं है तो वो फ्लैट बॉडी के होंगे, यानी उनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होगी। तो उसके बेसिस पे भी हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे, सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट, मतलब जिसमें आगे जिनमें सीलोमेट प्रेजेंट है, फिर ऐसी बॉडी जिसमें दिखाई तो देती कि हाँ एक बॉडी कैविटी है और उसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है लेकिन वो ट्रू नहीं होती है ना, और ए सीलोमेट जिनकी बॉडी में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमारी बॉडी आपको कैसा है, एक कैविटी है जिसके ऊपर बोन्स है, उसके ऊपर मसल्स है, उसके ऊपर स्किन है, तो अंदर एक कैविटी है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, टिश्यू फ्लूड प्रेजेंट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम, है ना, जिसको जब वर्टिब्रल कॉलम कंप्लीटली डेवलप होता है तो उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, और जब नहीं होता है यानी प्रिमिटिव, जब इन्फेंट या सीड बनता है या बेबी बनता है, जब जायगोट बनता है, तो उसमें जो सबसे पहली स्ट्रक्चर होती है वर्टिकल कॉलम की वो होती है नोटोकॉर्ड। तो प्रेजेंस ऑफ ये भी डिसाइड करती है कि एक कंप्लीट डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम है तो वो एक डेवलप्ड एनिमल है, तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो ये चार फीचर्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे एनिमल क्लासिफिकेशन करना है हमको। नेक्स्ट सेशन में हम इन सारे पॉइंट्स को राइट डाउन भी करेंगे, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, फिर सिमेट्री एंड बॉडी कैविटी, ठीक है, उनके बेसिस पे हम एनिमल क्लासिफाई करते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।